बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एवर टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील ममताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें, आपको बताएं कि हिंगोजा के रिहायशियों की सिंध मीडिया ऑफिस गंबट पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज। मोहम्मद पंजर डाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हिंगोजा थाने की पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ हम मुजाहरा करने आए हैं। मेरा भाई जाहिद हुसैन डार वालदा के साथ गंबट कोर्ट में 20 तारीख को हाजिरी पर गए थे। वो जैसे कोर्ट से निकले तो हिंगोजा थाने की पुलिस और बासर अशरास के साथ जाहिद हुसैन डार को अगवा करके ले गए और रात को झूठे मुकाबले की बिना पर जाहिद हुसैन डार को कत्ल कर दिया गया। लोगों का चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, निगरान हुकूमत, आईजी सिंध, डीआईजी सक्कर, एसएसपी खैरपुर से मुतालबा है कि पुलिस और बासर लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़ुज़ फराहम किया जाए। सादकाबाद में डेरी सांगी जफराबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पार सितारों वडेरों और रहीम या खान पुलिस की तरफ से ज्यादतियों का सिलसिला शुरू। जोड़ी की सादकाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, झूठे फरमाइशी मुकदमे का सिलसिला जारी। जोड़े ने आला हुकाम से करप पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और तहफ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। मजीद देखते हैं सादकाबाद से अब्दुल गफार मार की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान में पसंद की शादी वाला जोड़ा गैर महफूज हो गया। रहीम यार खान पुलिस ने जोड़े को तहफ़ देने की बजाय वडेरों के हुक्म पर झूठे मुकदमात बनाने के साथ हरासा करना शुरू कर दिया। पसंद की शादी करने वाली दड़ी सांगी रहीम यार खान की सना हुसैन ने शोहर मंसूर गुपांग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वडेरों ने पंचायती फैसले में सुमैरा को वर्नी करने का हुक्म दे दिया है। पंचायती फैसले पर अमल दरामद ना करने पर कत्ल और अगवा की धमकियां मिल रही हैं। वडेरों सरदार याकूब सलीम बशीर गफूर गोपांग से शदीद ख़तरा है। सना हुसैन और मंसूर गोपांग ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आला हुकाम से फौरी तहफ़ुज़ फराहम करने, आईजी पंजाब वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। फलस्तीनी आवाम के साथ इजहारी यकजहती के लिए शेख जैद अस्पताल ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली अस्पताल ओपीडी से शुरू होकर सिटी पोल से होती हुई द्वार चौक पर इख्तिताम पज़ीर हुई। एहतजाजी रैली में डॉक्टर अमजद अली, डॉक्टर अकमल, डॉक्टर फहीम, डॉक्टर गफार, YNA की सदर साइदा और डॉक्टर साइरस समेत डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर्स ने द्वार चौक पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए इनकी तमाम अशिया के बायकॉट का ऐलान करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि बीजिंग में गैर मादी सकाफती विरसे के हवाले से पहला बैन अलावामी हफ्ता मनाया गया जिसमें दुनिया भर के दस्तकारों और फनकारों ने शिरकत की। इस तकरीब में चीन के 18 सूबों और इलाकों, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जनूबी अमरीका और शुमाली अमरीका के 40 ममालिक के हजारों नुमाइंदगान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। बीजिंग में गैर मादी सकाफती वर्षे के हवाले से पहला बैन अलावामी हफ्ता मनाया गया जिसमें दुनिया भर के दस्तकारों और फनकारों ने शिरकत की। इस मौके पर बेहतरीन तकनीकी काविशों को सराहने और सकाफती तबादलों को फरोग देने का मौका भी मयसर आया। गैर मादी सकाफती वर्षे पर तबादलों के जरिए एक हमाहंग दुनिया की तामीर के मौजू पर मुनक्किद होने वाले इस तकरीब का मकसद दुनिया भर में आहिस्ता आहिस्ता गायब होने वाले गैर मादी सकाफती वर्षे को महफूज बनाना है ताकि आलमी सकाफती मवासलात को मजबूत बनाया जा सके और तवील अरसे से फरामोश की जाने वाली कारीगरों की महारतों की जानिब ज्यादा से ज्यादा लोगों की तवज्जो मबजूल कराई जा सके। इस तकरीब में चीन के 18 सूबों और इलाकों और एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जनूबी अमरीका और शुमाली अमरीका के 40 ममालिक के हजारों नुमाइंदे जमा हुए। इस दौरान मजमू तौर पर 500 से ज्यादा प्रोग्राम तरतीब दिए गए जिनमें 3000 से जायद मसनूआत और महारतों की नुमाइश की गई। सकाफती फरोग की तकरीब में 19 ममालिक के मुनफरिद फनपारों, पकवानों और रक्स की परफॉर्मेंस के साथ साथ बीजिंग और इससे मुलहिका इलाकों के 330 फनपारों की नुमाइश भी की गई। तकरीब के दौरान दस्तकारी की रवायती महारतों मसलन जेड नकाशी, हाथी दांत की नक्शनगारी और कढ़ाई वगैरह की नुमाइश भी की गई। गैर मादी सकाफती वर्षे के तहफ़ के हवाले से मुनद इस आलमी तकरीब में शुरा ने जहाँ ये उम्मीद जाहिर की कि इस तकरीब के इनका से गैर मादी सकाफती वर्षे के आलमी तहफ़ के फ़रोग में मदद मिलेगी, वहाँ पर चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के माबैन आपसी ताल्लुक बिलखसूस सकाफती रवाबित भी फ़रोग पाएंगे।
शाहिद अफराज खान भेजें। खानपुर में ट्रैफिक सिग्नल न होने की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं, जिसकी वजह से कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस एहलकार न होने के बायस शहरी सख्त अजियत में मुब्तला हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं जफर इकबाल से। जी, मैं मौजूद हूँ यहाँ खानपुर के एक मसरूफ़ तरीन चौक कैप्टन फयाज शहीद। यहाँ पे बेहंगम ट्रैफिक के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। तो अक्सर जो मेन मसरूफ़ चौक हैं उनमें ट्रैफिक सिग्नल्स का ना होना और अक्सर ट्रैफिक वार्डन का ना होने के बायस ये मामूल बन गया है। अभी हम शहरी से बात करते हैं कि उनका इसके मतलब क्या कहना है। जी बिल्कुल, हमारे खानपुर शहर में एक भी सिग्नल नहीं है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है, ये जो हादसात मामूल बन गए हैं, शहरियों की ज़िंदगी किसी कोई भी बना नहीं रखती। इसमें मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि फिल फोर खानपुर के मेन चौराहों पे ट्रैफिक सिग्नल बहाल किए चालू किए जाए ताकि ये हादसात में कमी आ सके। जी, शहरी का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर रहीमयार खान और डीएसपी ट्रैफिक से हमारा मुतालबा है कि मसरूफ़ चौकस में ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाएं और ट्रैफिक वार्डन को मुतय्यन किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल रह सके। मुल्क भर की तरह सजावत में भी जिले इंतजामिया की जानिब से कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल से बॉयज डिग्री कॉलेज तक रैली निकाली गई। रैली में असातिज़ा तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरुआत ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाए। मजीद जानते हैं सजावल से शहबाज मेमन की रिपोर्ट में। कमिश्नर सुजावल वाजिद अली शेख, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान आलम की जानब से कश्मीरों से इजारे यकजहती के लिए बॉयज़ हाई स्कूल से बॉयज़ डिग्री कॉलेज तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक जगाव नारे लगाए गए। इस मौके पर उन्होंने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर कश्मीर और हम इंटरनेशनल कम्यूनिटी को अपील करेंगे कि वो एक्शन लें और इंडियन ऑक्यूपेशन जो है वो ख़त्म कराएं। इसके साथ साथ मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी अपील करूंगा कि वो इंटरवीन करें और अपनी करारदादों पे अमल कराएं इन अकॉर्डेंस विथ इट्स रिजोल्यूशंस एंड द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। 22 अक्टूबर कश्मीर डे के सयाह दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया की लाखों फौज कश्मीरियों के हुकूक गज़ब करके उनको हिसार में रखे हुए है। इसलिए कश्मीर हमारा पाकिस्तान का बाजू है। मेरी सारी आवाम को ये पैगाम है कि कश्मीर का साथ दें, कश्मीर के लिए उठ खड़े हों और कश्मीरियों को अपने भाइयों को अपने साथ मिलाएं, उनके लिए खड़े हों। अक़वामे मुत्तहिदा में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके लिए कश्मीर के हकूक के लिए आवाज़ उठाए, आज़ादी के लिए जमा हुए हैं और जो जुल्म बर्बरियत हमारे दूसरे मुल्क की तरफ से ढाई जा रही है हम उसको कंडेम करने के लिए जमा हुए हैं। इंशाल्लाह हम कश्मीरियों के हर मौके पे साथ रहेंगे और उनको सब के बच्चों को और सारे पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीरी आवाम के ऊपर जो कब्ज़ा किया हुआ है उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो बैनुल अक्वामी जो जितने भी नेशंस हैं जितने भी मुल्क हैं उनको चाहिए कि इनमें इन्वॉल्व हो और कश्मीर को आज़ाद कराया जाए। की तरह हम सुजावल में भी कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पे योम सियाह के तौर पे मना रहे हैं। ये हिंदुस्तान के मजालिम के ख़िलाफ़ हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हम एहतजाज भी करते हैं और हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन पे नज़र करम फरमाए। उन्होंने कहा है कि कश्मीर पर जुल्म बंद किया जाए, हम कश्मीर भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV, सुजावल। थोलगढ़ी हसन थाना की हदूद में कोसा बिरादरी के दो ग्रुपों में सियाकारी के तनाजे पर तसादुम, 13 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल हो गए। ठुल गांव अब्दुलरहमान कोसो में कोसा बिरादरी के दो ग्रुपों में तसादुम हो गया। दोनों अतराफ से 13 अफराद जख्मी हो गए। तसादुम के दौरान दोनों तरफ से कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। इतना मिलने पर पुलिस जाए वकूफ पर पहुंच कर जख्मी को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाकया सियाकारी के तनाजे पर हुआ, वाकये की मजीद तफ्तीश जारी है। पाकपतन में कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ योम सियाह मनाया गया। शहरियों, समाजी तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली।
रैली के शुका ने हाथों में कश्मीरी परचम थाम कर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तार साकी। कश्मीर पर 76 साल से जारी भारतीय कब्जे के खिलाफ पाकिस्तानी कौम यक जुबान। पाक पतन में भी यौमे सियाहे कश्मीर के मौका पर एहतजाजी रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर पाक पतन सादिया मेहर ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक खुद इरादियत दिलवाने के लिए किरदार अदा करे। तमाम इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हुए जो आर्टिकल 35A और 375 को एब्रोगेट किया गया है, कश्मीर की जो एक खसूसी हैसियत है उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। उस सिलसिले में हम उस चीज़ की मजम्मत करते हैं और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इंशाल्लाह एक पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। कश्मीरियों के राइट को उन्होंने खत्म करते हुए उस पर कब्जा किया। आज इस बात का जो में से हम इसलिए मना रहे हैं कि लोगों को पैगाम दे सकेंगे पाक पतन की अवाम जिला इंतजामिया की लीडरशिप में हम वक्त कश्मीरी भाइयों के साथ हर वक्त शाना बशाना खड़ी है। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान समाजी तंजीमें और शहरी कसीर तादाद में शरीक हुए। आजादी की कोशिशों और इनके सलब शुदा जो हकूक हैं उनकी हमायत करते हैं, उनके साथ हैं। कश्मीरियों के हर मुश्किल में हम उनके साथ खड़े हैं। हम जानी और माली हर तरह की इमदाद देने के लिए हर वक्त हम तैयार रहेंगे। कश्मीरी भाई जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिस रहे हैं। अकवामे आलम और ओआईसी और पूरी दुनिया अकवामे मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना हुआ है। रैली के शुरका हाथों में एहतजाजी कुतबे थाम कर आलमी बरादरी के भारतीय मुजालम पर खामोशी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालम के खिलाफ बिहारी में यौमे सियाह मनाया गया। इस मौके पर रैली का इनेकाद भी किया गया। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बिहारी जिला कौंसिल तक निकाली गई। रैली की क्यादत डिप्टी कमिश्नर बिहारी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने देखा है जी आज 27 अक्टूबर यौमे सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। इसमें आज एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है जिसमें तमाम शहरियों ने शिरकत की, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने, इंक्लूडिंग हमारे अंजमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, लॉयर्स और तमाम जो कम्यूनिटी के मेम्बर्स हैं सब ने भरपूर शिरकत की और 27 अक्टूबर को यौमे सियाह के तौर पर मनाया, जिसका मकसद ये है कि कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करना है। आपको पता है कि आज से 76 साल पहले 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने कश्मीर में मुदाखलत की और वो मुदाखलत आज तक जारी है। जुल्म व सितम का सिलसिला कभी भी नहीं रुका। 76 साल में कश्मीरियों की बेशुमार शहादतें हुई और उसके साथ साथ जुल्म व बर्बरियत की बहुत बड़ी दास्तानें हैं। इस सिलसिले में 27 अक्टूबर यौमे सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। हमारा मकसद ये है कि हम अक्वामे आलम से ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों के जो मसाइल हैं वो उनकी उमंगों के मुताबिक और अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक उनका फौरी हल निकाला जाए। खैरपुर मिलस की तहसील गंबट गंबस अस्पताल की इंतजामिया की गफलत की वजह से नामालूम शख्स की लाश 3 रोज गुजर जाने के बावजूद भी ताहाल सर्द खाने मुंतकिल न हो सकी। 2 रोज कबल निगरान वजीर सिंध ने गंबस में दौरे के दौरान लाश को सिटी गंबस अस्पताल मुंतकिल किया था। लाश से तहफुन फैल गया। अस्पताल में आने जाने वाले लोग परेशान है। लाश से तहफुन उठने से अस्पताल के मरीज भी मुतासर होने लगे। खबर शामिल करते हैं डेरा अलीगढ़ से, जहां मारूफ कबायली शख्सियत और जाफराबाद ट्रांसपोर्ट के सदर मीर इस्माइल लैड़ी समेत दीगर इलाकाई ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स को मुसलसल तंग करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे के बारे में मुशावरत और मीटिंग। इस मौके पर मीर इस्माइल लैड़ी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ट्रांसपोर्टर्स लावारिस नहीं, उनको रोज रोज रोका सिंध पुलिस भत्ता वसूल करती है। हमारा आई जी सिंध डी आई जी सर्कल से मुतालबा है कि जैकबाबाद पुलिस के इस नामुनासिब और गैर कानूनी अमल के खिलाफ एक्शन लें, बसूरती दीगर एहतजाज करके कौम इशारा को बंद किया जाएगा। मुल्क भर की तरह जिला शहीद बेनजीराबाद के 4 तहसीलों में भी आज कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए 27 अक्टूबर को यौमे सियाह के तौर पर मनाया गया। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान भारत मुर्दाबाद के नारे दर्ज थे। रैली के अख्ताम पर शुरका से खिताब करते हुए कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद डिवीजन सैयद मोहम्मद सजाद हैदर और दीगर ने खिताब किया। उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी को दबाने के लिए भारत आए रोज नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीर अबान जाहिद हुसैन की हदायत पर जिले के छोटे बड़े शहरों समेत
तहसील सकरांड, काजी अहमद और डर में भी असिस्टेंट कमिश्नर की क्यादत में कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के तौर पर सियाह दिन मनाया गया। दादू में महंगाई के खिलाफ सवाल पूछना गुना बन गया। JUI के जलसे में उलमाए इकराम से पुलिस एहलकार के सवाल पूछने पर पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर दिया गया। मजीद जानते हैं असगर खान मलाह की इस रिपोर्ट में। मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ दादू के पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। यहाँ पर सिंध प्रेस क्लब के सदर आफ्ताब अहमद जमाली और सिंध प्रेस क्लब की टीम ने यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर के सामने आप ये मनाजर देख रहे हैं यहाँ एहतजाज किया है। रात को JU के रहनुमा राशिद तुमरो साहब के जलसे में एक पुलिस एहलकार मंजूर पहर ने महंगाई के खिलाफ उस पर सवाल किया था, तो उसको SSP दादू के हुक्म पर पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस गार्ड किया गया है, वो बंद किया गया है। तो उसकी आज़ादी के लिए यहाँ सिंध प्रेस क्लब के सदर आफ्ताब जमाली की रहनुमाई में यहाँ सिंध प्रेस क्लब के सहाफ़ी यहाँ आए हैं और यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया है। तो अब उनसे पूछते हैं इस बारे में मजीद उनका क्या कहना है। JU रहनुमा राशिद तुमरो साहब के जलसे में पुलिस एहलकार मंजूर पवार ने महंगाई के खिलाफ सवाल किया था, तो SSP दादू के हुक्म पर मंजूर पवार को पुलिस गार्ड किया गया है। तो यहाँ आपने सिंध प्रेस क्लब के सदर रहें, तो आपने यहाँ उसकी आज़ादी के लिए एहतजाज किया है, मजीद क्या कहेंगे? सवाल पूछना हर शहरी का जमहूरी हक है, जो पाकिस्तान का आइन हर शहरी को देता है। राशिद मामून सुमरो JU के सियासी जमायत और मजहबी जमायत दोनों के रहनुमा हैं। अगर उस किसी शहरी ने सवाल किया है बजाय सवाल का जवाब भी नहीं देते, जवाब तो नहीं दिया, नहीं देने के बजाय उसको गिरफ्तार करके हिरासा करके क्वार्टर गार्ड करा दिया है। हम दादू SSP से IG सिंध से मुतालबा करते हैं कि पुलिस एहलकार बिल्कुल हैं, मगर एक शहरी की हैसियत से, ना वर्दी में था ना ड्यूटी था, शहरी की हैसियत से किसी सियासी रहनुमा से सवाल करना कोई जुर्म नहीं है। राशिद मामून सुमरो साहब की जमायत JUI PDM हुकूमत का हिस्सा रही है, सवाल करने में इतराज़ क्यों? सवाल हर शहरी कर सकता है, हर रहनुमा से, हर लीडर से सवाल कर सकता है, ये जुर्म नहीं है। इसको हम कंडम करते हैं और मुतालबा करते हैं कि क्वार्टर गार्ड पुलिस एहलकार जो है मंजूर अहमद पंवर, उसको आज़ाद किया जाए। आपने एहतजाज किया है यहाँ पुलिस एहलकार मंजूर पंवर की आज़ादी के लिए, क्या कहेंगे? जी, हमारा SSP दादू से ये मुतालबा है कि पुलिस वाले ने हक के लिए सवाल किया है। महंगाई हो गई है, यही पहले निकले थे लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ, फिर वही 18 महीने इन्होंने हुकूमत की, जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, जब इन्होंने कोई भी आजी फायदा नहीं मिला इसको। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम कहते हैं मंजूर पवार को आज़ाद किए थे, दूसरी जानब हमारा एहतजाजी मायना बढ़ाया जाएगा। आप क्या कहते हैं? सर, हम यही कहते हैं, हर इंसान को गवर्नमेंट से या सियासी जमात से सवाल करने का हक है। वो जो सियासत कर रहे हैं तो पहली बात तो वो अपनी दिल जो है ना वो बड़ी रखे, वो दिल भी राशिद मामून सुमरो छोटी रखता है, वो बस ही उसको ये दो ही लफ्ज़ आते हैं। तुम लोगों को किसी ने पैसे दिए हैं मेरा जलसा ख़राब करने के लिए? भाई, तुम्हारे दादू में कोई बंदा ही नहीं है, जो बंदे लेके आए सारे खुद लेके आए, जो तुम्हारी इतनी तंजीम ज़्यादा है JIU जो अपने दादू में तुम होल्ड करके देखो, और के एक पुलिस एहलकार ने अपना सवाल किया है, वो दादू का रिहायशी है, उन्हें हक के लिए सवाल किया। पर सर, इतनी बड़ी महंगाई हो गई है, आप अभी निकले हो, जब 18 महीना PDM के साथ आपने हुकूमत की थी उस टाइम तो आपको याद ही नहीं था, अभी याद है, उसको इतना तब्दील करके उसको पुलिस हेडक्वार्टर गार्ड कर दिया है। और हम SSP साहब से ये मुतालबा करते हैं, परजोर मुतालबा करते हैं, तो SSP साहब आप पढ़े हुए हो और आप बड़ी सोच वाले हो, ऐसे नहीं आपको सियासी लोग बोल रहे हैं भाई इसको जेल में डालो, आप डाल दो, ऐसे नहीं करो। कोई शहरी को पूरा हक है, वो शहरी के लिहाज से पूरा सवाल कर सकता है, उसने सवाल किया है, उसको आज़ाद किया जाए। सदर आफ्ताब अहमद जमाली की रहनुमाई में सहाफ़ियों ने
पुलिस अहलकार मंजूर अहमद पवार की आज़ादी के लिए एहतजाज किया, आप भी इसमें शामिल हैं, आप मजीद क्या कहेंगे? हमने जो पूरी सिंध प्रेस क्लब की टीम है उसने एहतजाज किया है कि रात मंजूर पवार पुलिस अहलकार है, उसने राशिद मोहम्मद सुमरो साहब से एक सवाल किया था, साईं महंगाई हो गई है आप निकले क्यों नहीं हो, इसीलिए उसी के सवाल करने पे राशिद मोहम्मद सुमरो ने नाराज़ हो गए, नाराज़गी दिखाई अपनी, उस पुलिस अहलकार को DSP के हवाले कर दिया और रात उस पुलिस अहलकार को क्वार्टर गार्ड कर दिया है। हम SSP साहब दादू से, IG सिंध से, DIG हैदराबाद से यही मुतालबा करते हैं कि मंजूर पुलिस अहलकार मंजूर पवार को आज़ाद किया जाए। कश्मीर में इंडिया करती है और फलस्तीन में जो है इसराइल करती है, ये यहाँ पे ऐसा कानून लागू किया गया है, ऐसी बर्बरियत कायम की गई है कि कोई अगर शहरी जो है अपने सवाल करे, जायज़ सवाल करे, उसको गिरफ़्तार करो, उसको मारो, उसको यानी गुम कर दो। ऐसे कानून के खिलाफ हम मजम्मत करते हैं। आफताब जमाली और उसकी टीम के साथ हम एक घंटे से बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं आया कि भाई आप क्यों बैठे हो और आपका क्या मुतालबा है। हम आपस में बैठे हैं, हमारी टीम बैठी, आफताब जमाली, क्या सिर्फ आफताब जमाली और उसकी टीम जो है ये आवाज़ उठाए, बाकी शहरियों का कोई जो है ज़िम्मा नहीं है, कोई उसका किरदार नहीं है। आज एक मंजूर पवार के साथ हुआ है, कल पूरे शहर के साथ होगा। हम मजम्मत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि मंजूर पवार को आज़ाद किया जाए। जी हमारा यही कहना है, पहले तो ये आप निशान देखो, ये जो निशान क्रॉस का लगा हुआ है कि रात जो हुआ है ना उनने हमारा आवाज़ बंद करने की कोशिश की है, जो गलत अमल है, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे, हम शहरी हैं, हमारा हक है, कोई बड़ा ऑफिसर हो, वज़ीर आज़म हो या कोई सियासतदान हो, हमारा हक है सवाल करना, जवाब दे हो आप आवाम के, जवाब दे हो। तो इसलिए आम शहरी ने जब आपसे सवाल किया तो आपने जवाब ना देना था, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी तजलील आपने क्यों की, उसको सरेआम सब आवाम के सामने तजलील करके बिठाया गया, फिर सुबह उसे लॉकअप कराया गया, ये कौन सा कानून है? आप खुद सियासतदान हो, आप डायलाग मारते हो कि हम ऐसे हैं, लेकिन खुद आप आवाम की तजलील कर रहे हो, तो आप कैसे सियासतदान कहलाओगे? आप तो आम आवाम से भी बेकार निकले, जो बर्दाश्त के काबिल तो होते हैं, आप सियासतदानों के बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये गलत अमल है। और हम आला इदारों से ये अपील करेंगे कि बराए मेहरबानी इसको आज़ाद किया जाए। बिहारी में चिकन के रेट 650 रुपए किलो से कम होकर 400 रुपए किलो तक आ गए, लेकिन होटल्स पर चिकन कढ़ाई और बारबेक्यू शॉप्स पर रेट कम ना हो सके। अवाम का DC बिहारी सैयद आसिफ हुसैन शाह से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं बिहारी से कैसर अली से। जी कैसर बताइएगा। लेकिन होटल वालों के जितने बार कढ़ाई वाले जो है ना वो अपना रेट काम नहीं कर रहे हैं। ये भाई मेरे पास खड़े हैं, इनकी ये शॉप है, हम इनसे पूछना चाहते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई पहले मुर्गी 600 650 पे चली गई थी, हमने रेट महंगा होटलों को लग रहा था, अब चिकन का रेट 400 रुपए आ गया है, आप उनको रेट नहीं घटा रहे, वो ही रेट रखा हुआ है उन्होंने, तो बाकी वो जैसे जैसे रेट कम होगा वैसे हम रेट और कम करेंगे, अब आम को रिलीफ मिले। 100 रुपए से नीचे आ चुकी है, लेकिन होटल वाले जो है वो अपना रेट कम नहीं कर रहे, कढ़ाई टिक्के कबाब ये चीजों का रेट वहीं पे वहीं है। तो हमारे पास एक शहरी बैठे हुए, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये रेट पहले मुर्गी जो है तकरीबन 600 तो ऊपर सके, हुण तकरीबन 400 भी थले रेट आ गए ने, लेकिन आम शहरी नु जड़ा रेफ दा लभदा पिया मुर्गी दी दुकाना तो, लेकिन असल दे विच गल ए आ के जड़े होटल वाले आ ए जड़े कढ़ाइयां दे रेट इन्हां दे ओही ने, अगर बारबेक्यू दी गल कीती जावे ते ओह वी उहनां दे रेट वी उत्थे दे उत्थे ने, 200 रुपए दा कबाब, 250 रुपए दा कबाब, ते चिकन जिहड़े चीज़ां जी चिकन इस्तेमाल हो रहा उहनां दे रेट उत्थे दे उत्थे ने। तो हुकूमत को चाहिए, खास तौर पर DC साहब को चाहिए कि कम अज़ कम ए रेटा कंट्रोल कर, ताकि आम शहरी अगर बच्चों वास्ते कोई चीज़ चिकन की लैके जा सके बारबी तो या होटल तो कढ़ाई लैके जा सके। कढ़ाई से खास तौर पर गल करिए, कढ़ाई के हवाले नाल अगर किलो कढ़ाई कोई ले लैंदा अपनी फैमिली वास्ते तो 800 ग्राम ही निकलती, वो हूँ वो 800 ग्राम च बंदा वो सफाई करके पिछे की रह जाता, वो सानू तकरीबन कोई फायदा नहीं हो रहा। होटलों के जोड़े रेट उत्ते होते हैं कढ़ाइया के, बारबेक्यू के रेट उत्ते, फूड पॉइंट के उत्ते ने। DC साहब को खास तौर पर चाहिए कि कम अज़ कम ये रेटा कंट्रोल कर किया जाए, ताकि एक हफ्ते कम अज़ कम असी अपने बच्चों वास्ते कोई चीज़ लैके जा सकी, साढ़े बच्चे खा सकन। इस टाइम है जी डंडे का दौर।
ये डंडा चकना पैना हुकूमत नूं, डंडा चकेगी ते फिर काम सही होना, वरना ये डंडे तो बगैर काम सही होने वाली कोई नहीं, ये डांगे दे लायक ने। सर्दी की आमद के साथ ही भवानों में लंडा बाजार सज गया। गर्म कपड़े, जूते, कंबल, रजाइयां और दीगर सामान तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी करने जुमा बाजार पहुंची। इस हवाले से जूते, कपड़े, दीगर सामान ओपन मार्केट से आधी कीमत पर मिलता है। उनका कहना था कि 1000 रुपया कमाने वाला मजदूर घर चलाए या ओपन मार्केट से खरीदारी करे। उनका कहना था कि बाजार से 3 से 4 हजार रुपए में मिलने वाले जूते, कपड़े जुमा बाजार से 1000 रुपए में मिल जाते हैं। इस मौके पर दुकानदार को कहना था कि इस बढ़ती हुई महंगाई में जुमा बाजार आम शहरियों के लिए नेमत से कम नहीं, शहरी आए और रियायती सामान से मुस्तफीद हूँ। दुकानदार को कहना था कि हुकूमत और इंतजामिया जुमा बाजार को टैक्स फ्री करा दें। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।